लाहौर में वायरस के फैलाव की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक, मुबतला मरीज 210, 5 जाँ बहक हो चुके। मेयो हॉस्पिटल में 129, PKLI में 24 तस्दीक शुदा मरीज दाखिल। कैंप जेल के मजीद 3 कैदी कोरोना के शिकार। पंजाब भर में कोरोना पॉजिटिव बढ़कर 1069, अम्बात 11 रिकॉर्ड। जान हथेली पर रखकर फर्ज निभाने वालों को सलाम। नाकों पर ड्यूटी निभाने वाले मजीद पुलिस अहल को कोरोना वायरस का शिकार। मुतासर अहलकारों की तादाद 5 हो गई। CCPO की जानिब से नए अहकामात। अफसरान को हर सूरत अहलकारों की सेहत का ख्याल रखने, हिफाजती इंतजाम सख्त करने की हिदायत। लॉकडाउन और फिजाई ऑपरेशन की बंदिश, कोरोना के खिलाफ हिफाजती सामान की दरामद मुअत्तल। वतन पहुंच जाने वाले मास्क सैनिटाइजर्स की बड़ी खेप क्लियरेंस ने मिलने से पोर्ट पर फंस गई। मेडिसिन मार्केट में जरूरी अशिया की किल्लत का सामना। अशियाए जरूरिया की फराहमी, मुतासर अफराद की बहाली के लिए इकदाम। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन नर्म, मखसूस सनतें खोलने का ऐलान। टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, फार्मा इंडस्ट्री को महदूद मुलाजमीन और सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत काम की इजाजत। लेदर, सर्जिकल, ऑटो पार्ट, फ्रूट, सब्जी और गोश्त यूनिट भी खोलने की इजाजत। लॉकडाउन के दौरान अहकाम की खिलाफ वर्जी, 21,000 से जायद मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों की चेकिंग। नाकों पर 17,000 से जायद शहरियों को वार्निंग। जायद वक्त तक दुकानें खुली रखने पर 79 दुकानदारों। 8 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई, जखीरा अंदोजी एक्ट के तहत 12 मुकदमा दर्ज। 6 गिरफ्तार, CTO का शहर का दौरा। वारंट्स को घरों से बाहर घूमने वालों को वापस भेजने की हिदायत। लॉकडाउन से मुतासर अफराद की बहाली, 4 घंटों में 1.5 अरब की इमदाद तकसीम। 1,70,000 मुस्तहिक अफराद को तस्दीक के बाद माली इमदाद पहुंचाई गई। विफाक की जानिब से भी 50 ट्रक इमदादी सामान पंजाब पहुंच गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार इमदादी ट्रक आज मुख्तलिफ अजला के लिए रवाना करेंगे। पंजाब हुकूमत का ताजिर बिरादरी को टैक्सों में बड़ा रिलीफ। ड्राई पोर्ट्स पर दरामदी और बरामदी मसनूआत पर 30 जून तक सेल टैक्स माफ। हुकूमत की जानिब से मिलने वाले रिलीफ पर लाहौर चैम्बर का इजहार तशक्कुर। रियायत जरूरी के ऐन मुताबिक करार देगी। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद, वजीर आला के हमराह एक्सपो सेंटर कोरोना अस्पताल का दौरा। वजीर सेहत पंजाब की इंतजाम सहूलतों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम एहसास प्रोग्राम और टाइगर फोर्स की तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए। वजीर आजम की कारोबारी अफराद से मुलाकात भी शेड्यूल। मुआवन खसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक एवान की जिना अस्पताल आमद। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज से मुलाकात। कोरोना टेस्ट की सहूलत फराहम करने पर चेयरमैन जिना हॉस्पिटल को खराज तहसीन पेश। बोली, कौम के सपूत ने अजीम खिदमत अपनी मदद आपके तहत सर अंजाम दी। वबा का मुकाबला ईमान की ताकत से ही किया जा सकता है। कोरोना से जंग में डॉक्टर और पैरामेडिक्स फ्रंट लाइन पर हैं। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक एवान की जिना अस्पताल आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, मुकाबला कोरोना के साथ साथ भूख से भी मुकाबला है। कौम मुतहद रही तो ये जंग जरूर जीतेंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज बोले, डॉक्टर्स पैरामेडिक सख्त मेहनत कर रहे हैं। वजीर आजम मंजूरी दे चुके हैं, फ्रंट लाइन के इन सिपाहियों को 100% पैकेज मिलेगा। डॉक्टर और तिब्बी अमला कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन स्क्वाड। शादरा टीचिंग अस्पताल में पुलिस की जानिब से सलामी। नामसाद हालात में खिदमात सर अंजाम देने पर डॉक्टर्स तिब्बी अमले को फूल पेश। तकरीब में DSP SHO समेत दीगर अहलकार शरीक हुए। कोरोना वबा और लॉकडाउन से तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर। सरकारी स्कूल्स के 5 लाख तलबा ताहाल कोर्स और सिलेबस से महरूम। बच्चों का तालीमी तसलसल टूटने पर वालदैन भी परेशान। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का 15 अप्रैल से कोर्स की दोबारा से तकसीम शुरू करने का ऐलान।
कोरोना के खिलाफ स्प्रे मुहिम का ड्रॉप सीन, आम मकामात में क्लोरीन मिले पानी का स्प्रे 30 मिनट बाद गैर मौसर होने का इंकशाफ, 40 गाड़ियों सैकड़ों का अमला और लाखों के अखराजात, महकमा सेहत का आदम ताबुन के सबब डेली प्रैक्टिस करोड़ों के नुकसान का सबब बन गया। माली इमदाद की फरहमी के लिए सियासी समाजी तफरीक से बचते हुए यकसां पॉलिसी अपनाई जाए, नए लेबॉरेटरीज जरासीम को स्प्रे करवाया जाए, हाई कोर्ट का कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम बारे दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी, वबा से जंग में डॉक्टर्स पैरामेडिक्स के किरदार की तारीफ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ अब्बास जमानत पर हैं, नैब ने अभी तक चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर नहीं किया, रेफरेंस के बगैर समाअत अदालती वक्त का ज़िया है, एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला जारी, रेफरेंस दायर होने पर मुलजमान को दोबारा तलब करने फाइल रिकॉर्ड रूम भेजने का हुक्म। वजीर आजम ने इजाजत दी तो 15 अप्रैल से 20 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन हिफाजती इंतजाम के तहत ही चलाई जाएंगी, वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तबलीगी जमात के खिलाफ साजिश, टाइगर फोर्स के नाम पर सियासत हो रही है, शहबाज शरीफ से कहूंगा ये वक्त सियासत का नहीं है। ट्रेन मुअत्तल, रोजगार बंद, पेट का दोज़ख भरने की फिक्र, औरों की तरह रेलवे खुलियों को भी सताने लगी, इमदादी खाने खा खा कर गुजारा करने वाले हुकूमत के एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर खुश। लॉकडाउन के दौरान अहकामात की खिलाफ वर्जी, 21,000 से जायद मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की चेकिंग, नाकों पर 17,000 से जायद शहरियों को वार्निंग, जायद वक्त तक दुकानें खुली रखने पर 79 दुकानदारों, 8 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई, जखीरा अंदोजी एक्ट के तहत 12 मुकदमात दर्ज, 6 गिरफ्तार, CTO का शहर का दौरा, वारंट्स को घरों से बाहर घूमने वालों को वापस भेजने की हिदायत। लॉकडाउन से मुतासर अफराद की बहाली, 4 घंटों में 1.5 अरब की इमदाद तकसीम, 1,70,000 मुस्तहिक अफराद को तस्दीक के बाद माली इमदाद पहुंचाई गई, विफाक की जानिब से भी 50 ट्रक इमदादी सामान पंजाब पहुंच गया, वजीर आला उस्मान बुज़दार इमदादी ट्रक आज मुख्तलिफ अजला के लिए रवाना करेंगे। पंजाब हुकूमत का ताजिर बिरादरी को टैक्सों में बड़ा रिलीफ, ड्राई पोर्ट्स पर दरामदी और बरामदी मसनूआत पर 30 जून तक सेल टैक्स माफ, हुकूमत की जानिब से मिलने वाले रिलीफ पर लाहौर चैम्बर का इजहार तशक्कुर, रियायत जरूरी के ऐन मुताबिक करार दे दी। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद, वजीर आला के हमरा एक्सपो सेंटर कोरोना अस्पताल का दौरा, वजीर सेहत पंजाब के इंतजाम सहूलतों पर ब्रीफिंग, वजीर आजम एहसास प्रोग्राम और टाइगर फोर्स की तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए, वजीर आजम की कारोबारी अफराद से मुलाकात भी शेड्यूल। मुआवन खसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक एवान की जिना अस्पताल आमद, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज से मुलाकात, कोरोना टेस्ट की सहूलत फराहम करने पर चेयरमैन जिना हॉस्पिटल को खराज तहसीन पेश, बोली कौम के सपूत ने अजीम खिदमत अपनी मदद आपके तहत सर अंजाम दी, वबा का मुकाबला ईमान की ताकत से ही किया जा सकता है। कोरोना से जंग में डॉक्टर और पैरामेडिक्स फ्रंट लाइन पर हैं, मावन खसूसी फिरदौस आशिक एवान की जिना अस्पताल आमद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली मुकाबला कोरोना के साथ साथ भूख से भी मुकाबला है, कौम मुतहद रही तो ये जंग जरूर जीतेंगे, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज बोले डॉक्टर्स पैरामेडिक सख्त मेहनत कर रहे हैं, वजीर आजम मंजूरी दे चुके हैं, फ्रंट लाइन के इन सिपाहियों को 100% पैकेज मिलेगा। डॉक्टर और तिब्बी अमला, कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन स्क्वाड, शादरा टीचिंग अस्पताल में पुलिस की जानिब से सलामी, नामसाद हालात में खिदमात सर अंजाम देने पर डॉक्टर्स तिब्बी अमले को फूल पेश, तकरीब में DSP SHO समेत दीगर अहलकार शरीक हुए। कोरोना वबा और लॉकडाउन से तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर, सरकारी स्कूल्स के 5 लाख तलबा ताहाल कोर्स और सिलेबस से महरूम, बच्चों का तालीमी तसलसल टूटने पर वालदैन भी परेशान,
CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का 15 अप्रैल से कोर्स की दोबारा से तकसीम शुरू करने का ऐलान। कोरोना के खिलाफ स्प्रे मुहिम का ड्रॉप सीन, आम मकामात में क्लोरीन मिले पानी का स्प्रे 30 मिनट बाद गैर मौसर होने का इंकशाफ। 40 गाड़ियों, सैकड़ों का अमला और लाखों के अखराजात। महकमे सेहत का आदम ताबुन के सबब डेली प्रैक्टिस करोड़ों के नुकसान का सबब बन गए। माली इमदाद की फरहमी के लिए सियासी समाजी तफरीक से बचते हुए यकसां पॉलिसी अपनाई जाए। नए लेबॉरटरीज जरासीम को स्प्रे करवाया जाए। हाई कोर्ट का कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम बारे दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी। वबा से जंग में डॉक्टर्स पैरामेडिक्स के किरदार की तारीफ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ अब्बास जमानत पर हैं। नैब ने अभी तक चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर नहीं किया। रेफरेंस के बगैर समाअत अदालती वक्त का ज़िया है। एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला जारी। रेफरेंस दायर होने पर मुलजमान को दोबारा तलब करने, फाइल रिकॉर्ड रूम भेजने का हुक्म। वजीर आजम ने इजाजत दी तो 15 अप्रैल से 20 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन हिफाजती इंतजाम के तहत ही चलाई जाएंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तबलीगी जमात के खिलाफ साजिश, टाइगर फोर्स के नाम पर सियासत हो रही है। शहबाज शरीफ से कहूंगा ये वक्त सियासत का नहीं है। ट्रेन मौतल, रोजगार बंद, पेट का दोजख भरने की फिक्र। औरों की तरह रेलवे खुलियों को भी सताने लगी। इमदादी खाने खा खा कर गुजारा करने वाले हुकूमत के एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर खुश।